वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज इस वीडियो में हम कंफ्यूजिंग वर्ड सीखेंगे। आज का हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड है बिसाइड एंड बिसाइड्स। दोस्तों इसमें सिर्फ एक इस का डिफरेंस है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस नहीं है जबकि यहाँ पर इस है। एक इस की वजह से दोनों का जो मीनिंग है वो पूरा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने लिया बिसाइड। बिसाइड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है बगल में। जैसे आपके बगल में कुछ है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिसाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज सिटिंग बिसाइड हर फादर, वो अपने पापा के बगल में बैठ रही है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड्स। नेक्स्ट वर्ड बिसाइड्स। बिसाइड्स जो है वो क्या है, एडवर्ब है। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू। सपोज एक चीज आपके पास है उसके अलावा भी कुछ है कर रहे हो आप, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिसाइड्स। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सी नोज फोर लैंग्वेज बिसाइड्स न्यूमरस अदर थिंग्स। कह रहा है वो चार भाषा को जानती है, इसके अलावा वो क्या अलग अलग बहुत सारी चीजों को भी क्या करती है, जानती है। यानी वो अलग अलग चीजों के जानने के अलावा वो चार लैंग्वेज, चार भाषा को भी क्या करती है, जानती है। तो जब आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना हो कि इसके अलावा मैं ये भी काम करता हूं, तो आप वहां पे कौन सा वर्ड यूज करोगे, तो आप वर्ड यूज करोगे बिसाइड्स। तो एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। बिसाइड एंड बिसाइड्स, यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर एस है। पहला वर्ड है बिसाइड, इसका ये क्या है, प्रीपोजिशन है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बगल में। सी सिटिंग बिसाइड हर फादर, वो अपने पापा के बगल में बैठ रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिसाइड्स, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा एडवर्ब, जिसका मतलब होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू। एक काम के अलावा अगर आप कोई दूसरा काम भी कर रहे हो तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, बिसाइड्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी नोज फोर लैंग्वेज बिसाइड्स न्यूमरस अदर थिंग, वो अलग अलग चीजों के अलावा चार लैंग्वेज भी क्या करती है, जानती है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, बिसाइड एंड बिसाइड्स। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।